हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यार लास्ट टाइम हमने छोटी दिवाली तो कर ली सेलिब्रेट, अब आओ साथ मिलके करें दिवाली सेलिब्रेट। तो आज थी दिवाली और मेरी छोटी बहन ने बोला हम बनाएंगे रंगोली, तो उसने किया अपना काम शुरू। क्या बना रहा है? ऑनेस्टली यूट्यूब पे लोग कितनी इजीली इन टूल्स से रंगोली बना लेते हैं, हमसे तो ये टूल्स हैंडल ही नहीं हुए। ये कुछ बन रहा है। द आर्ट एंड द आर्टिस्ट। ये हैलोवीन है, ये भी हैलोवीन है, वो पता नहीं वो मीडियम है, वो दिवाली है, ये डिंपी है। बस खराब और ये सब कुछ इन लोगों ने बताया, इनके आइडियाज थे। अच्छा, ये इनके आइडियाज थे। तो ये सब कंप्लीट करने के बाद हम आ गए अंदर रेडी होने, और रेडी होते होते चली गई लाइट। यस गाइस, ये है शिमला की दिवाली, यहाँ पे ब्लैक आउट ही हो गया और बाहर सनसेट होने लगा था, और वी वर जस्ट वेटिंग कि लाइट आ जाए। तब तक हमने बोला चलो बाहर देखते हैं, और बाकियों के घर में तो लाइट थी बट हमारी एरिया में नहीं थी। वाइल आई वॉज रिकॉर्डिंग बाहर के सीन्स, तो उतनी देर में लाइट आ गई और मैं भी जल्दी जल्दी दौड़ी तैयार होने। और क्योंकि आई वॉज रियली रियली शॉर्ट ऑन टाइम, तो मैंने किया एक मैजिक और मैं होगी फटाफट से रेडी। आई डिसाइडेड टू गो विद एथनिक वेयर दिस टाइम, एंड लुक एट दिस कुर्ता, आई जस्ट लव इट। इसके बाद हमने की अपने कैंडल सेटअप और एक ओवरव्यू लिया बाहर का, और फिर हो गया था पूजा का टाइम, और फिर हम चल दिए पूजा में बैठने। तो ये हमने बनाया था अपना छोटा सा पूजा का सेटअप, और बस अब पूजा हो गई थी स्टार्ट क्योंकि बिल्कुल टाइम हो गया था। पूजा के बाद हमें मिला प्रसाद, जिसमें मिली मुझे मेरी फेवरेट काजू बर्फी। डिलिशियस। फिर हमने पूजा वाले दिए जगह जगह पे सेटअप किए ताकि कहीं पे भी कोई भी डार्कनेस का साइन ना रहे।
फिर हमने शगन के लिए चलाई एक फुलझड़ी, और मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले चेंज कर लेती हूँ बिकॉज मेरे को डर लगता है कि कोई चिंगारी कपड़ों पे ना गिर जाए। मेरी फुलझड़ी तो निकली थोड़ी सी फुस, बट एनीवेज मैंने जला तो ली। और साथ में हमने जलाया एक अनार। इस फूलझड़ी को जलाने में जो टाइम लगा ना, मुझे तो लिटरली वो मीम याद आ रहा है इस टाइम कि जलाते जलाते क्रिसमस न्यू ईयर भी बीत गया और होली आ गई। फाइनली मेरी फूलझड़ी जल पड़ी और मैंने इसका एक एस्थेटिक सा वीडियो बनाया। फिर दादी को भी हमने एक फूलझड़ी दी और दादी ने भी उसे जलाया। और गाइस इस बारी ना मैं ये दिए लाई थी जो वाटर एक्टिवेटेड थे, सो क्यूट। फिर हमने मिलके थोड़ी देर देखे फायरवर्क्स, और ये देखो ये गाइस शिमला की दिवाली, देखो हिल्स में कैसे लगता है दिवाली का सीन। मैंने बहुत वेट किया कि कोई अच्छा फायरवर्क करे, बट उतने अच्छे फायरवर्क्स हुए नहीं, या हुए भी तो ट्रीज के पीछे रह गए, वीडियो में कैप्चर नहीं हो पाए। गोल्डन पिती और जूजू की तो निकली हुई थी जान बहुत बुरे तरीके से, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, तो मैंने उनको स्पीकर लगा दिया और उस पर म्यूज़िक लगा दी। सो दैट वाज इट फॉर द दिवाली व्लॉग। और ये मेरे को दिवाली गिफ्ट दिया मेरी छोटी सिस्टर ने, एंड इट्स सो प्रिटी। फिर इसके बाद मैंने बनाई चाय और द मैंडेटरी रात के 2 बजे वाली मैगी। ये रही हमारी मैगी, और इसके बाद हम दोनों बहनों ने खूब सारी गप्पे मारी और मैगी एंजॉय की। मैगी को जो स्लर्प करके खाने में मज़ा आता है ना, दैट्स जस्ट अनबीटेबल। दुनिया की कोई और चीज़ उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो हमने भी लगाई स्लर्पिंग में रेस, एंड मेरी बहन ने चीटिंग की, उसने पहले से ही नूडल्स लर्प करना शुरू कर दिया, सो शी वन, बट इट्स ओके, इट वाज दिवाली, वी आर हैप्पी। इसके बाद हम सो गए। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट व्लॉग वाचिंग, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। हियर आर सम मोर वीडियोस दैट आई थिंक यू विल लव, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम।